गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एपिसोड। तो आपका स्वागत है आपके और आपके भाई के यूट्यूब चैनल माउंटेन रूट्स में। तो गाइस आज मैं आया हूँ अपने एप्पल ऑर्चिड में। यहाँ पे मेरे पास थोड़े से तौलिए बनाने को थे क्योंकि अभी आजकल एप्पल के ऑर्चिड में काम चला हुआ, बगीचे में काम चला हुआ आजकल। यहाँ पे जो पेड़ होते हैं पेड़ों के तौलिए हम बना रहे हैं आज, मैं और भाई यहाँ पे आए हुए हैं। मैं आपको दिखाऊँगा किस तरह से हम पेड़ों के तौलिए बनाते हैं यहाँ पे। तो चलिए गाइस आप बने रहिए ब्लॉग में, आप देखिए तो किस तरह से हम तौलिए बनाते हैं, किस तरह से तौलिए बनते हैं। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमने 5 तौलिए तो बना दिए हैं, आप देख सकते हैं। पहला ये हो गया और 2-3 उधर 4 एंड देन ये 5। अभी और भी बहुत सारे बनाने को है, एक छोटा सा अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई यहाँ पे बना रहा है अभी, ये ब्रदर है। और चलिए अभी करते हैं फटाफट से काम अपना कंप्लीट एंड मिलते हैं आपसे उसके बाद, आप बने रहिए। तो गाइस यार अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके ऊपर जो ये छोटे छोटे पत्थर है ना, इनको मैं उठा रहा हूँ। इससे क्या होता है ना कि पत्थरों से उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं देते ना पेड़, क्योंकि ये तो छोटे पेड़ है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये पत्थर जो है ना इनको मैं उठा रहा हूँ और यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ मिट्टी मिट्टी को ही रख रहा हूँ। तो चलिए गाइस आप देखिए किस तरह से मैं ये बना रहा हूँ, तो बने रहिए आप ब्लॉग में। गाइज यार व्यू की अगर मैं बात करूं, व्यू यहां का बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही प्यारा व्यू है। आप देख सकते हैं सामने कितनी अच्छी अच्छी पहाड़ियां हैं, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियां, और कितने सुंदर ये पहाड़ यहां से दिख रहे हैं। तो आप लीजिए व्यू का भी मज़ा। तो गाइज यार यहाँ से आप ये जो ऑर्चिड देख रहे हैं यहाँ से ऊपर को, सीधा यहाँ से ऊपर को मतलब काफ़ी ऊपर तक के ये, यहाँ पे अभी मैंने ये जो हम बना रहे हैं गड़े तौलिए, तो ये मैंने अभी ऊपर तक बनाने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हम मैंने बना दिए हैं और अभी ऊपर तक बनाने हैं, और ये भाई यहाँ पर अभी बना रहा है। तो चलिए गाइज बनाते हैं अभी तौलिए, तो मिलते हैं आपसे थोड़े से समय के बाद, आप बने रहिए ब्लॉग में। और हो सके तो यार वीडियो कीजिए लाइक और शेयर, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। सो गाइज यार आप मुझे प्यार करें, सपोर्ट करें, तो मैं ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाता रहूँगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे व्यू वाले, ऐसे ही अच्छे अच्छे पहाड़ियों वाले ब्लॉग लाता रहूँगा। तो अभी मेरी कोशिश है कि मैं अभी अपने यहाँ पे जो मेरे पहाड़, जो हमारे यहाँ के पहाड़ है, मैं पहाड़ों में जाके आपको ब्लॉग बनाऊँगा। चलिए गाइज आप बने रहिए ब्लॉग में, तो मिलते हैं आपसे थोड़े से समय के बाद।
सो गाइज यार, ये जो हम तौलिए बना रहे हैं, हम इसको तौलिए भी बोलते हैं, गड़े भी बोलते हैं और दौरे भी बोलते हैं। तो गाइज आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इनको क्या बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी जगह सेब की खेती होती है, जैसे किन्नौर हो गया, शिमला हो गया, कुल्लू में तो खैर होती ही है। तो जो भी मेरे ब्लॉग को देखते हैं कुल्लू से, शिमला से और किन्नौर से, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग इनको क्या बोलते हैं। जैसे कि हम तो तौलिए बोलते हैं, गड़े भी बोल सकते हैं आप, और अपना दौरे भी आप बोल सकते हैं, ये तीन चीज़ें हम बोलते हैं इनको। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताएं आप इनको क्या बोलते हैं। तो चलिए गाइस, आप बने रहिए ब्लॉग में, आप देखिए किस तरीके से हम ये तौलिए बना रहे हैं। अगर हो सके तो यार मेरे इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको थोड़े से समय के बाद। यार सामने वाली पहाड़ी आप जो ये देख रहे हैं, ये है भोलेनाथ जी की पहाड़ी, बिजली महादेव। तो बिजली महादेव भी आप यहीं से दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आप बने रहिए ब्लॉग में, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हो सके तो वीडियो कीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो गाइज कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।